दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपका पप्पी या डॉग जिसकी कि आप डिवॉर्मिंग करवा रहे हैं या अभी आपने उसकी डिवॉर्मिंग करवाई है और उसने 45 मिनट से पहले पहले यानी एक घंटे के भीतर भीतर उसने वापस वॉमिट कर दिया, फिर डिवॉर्मिंग सफल होगी या नहीं होगी या हमें क्या करना चाहिए, आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए लेके आया हूँ। देखिए, मैं लगातार आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ और उन कमेंट्स में से एक कमेंट जो काफ़ी लोगों ने किया था वो यह है कि डिवॉर्मिंग के बाद उल्टी कर देता है तो फिर हम कन्फ्यूज रहते हैं कि डिवॉर्मिंग वापस करें या ना करें। तो देखिए, आपको कहीं पर भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वॉमिट कर देता है डॉग या पप्पी तो उस कंडीशन में आपको उस समय कोई प्रकार की दवा नहीं देनी है, यानी किसी प्रकार की दवा आप उस समय ना देंगे। अक्सर वॉमिट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे हम 100% डिवॉर्मिंग नहीं मान सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि आने वाले ठीक 15 दिन बाद यानी 15वें दिन आप उसकी डिवॉर्मिंग वापस करवाएं। अक्सर होता क्या है कि हम जो भी एक बार डिवॉर्मिंग करवाते हैं, जैसे पपीज़ में करवाते हैं, तब तो 15-20 दिन बाद एक बार वापस करवाते ही हैं, कई बार हर महीने करवाते हैं। लेकिन अगर डॉग्स में करवाते हैं तो हम 2 या 3 महीने से करवाते हैं, तो वो जो 2 या 3 महीने का अंतराल है उसे आप कम करके 15 दिन कर दीजिए। अगर डॉग वॉमिट कर देता है तो 15 दिन बाद आपको दवा देनी है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो दवा आपने पहले दी थी 15 दिन पहले जब उल्टी हुई थी वो दवा आपको नहीं देनी है, दवा बदल करके देनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से 15 दिन बाद दवा दे दें, इससे पहले प्लीज़ ना दें। अगर बाई दवे लक्षण प्रकट हो रहे हैं, मान लीजिए आपके पप्पी में पूरे लक्षण हैं पेट में कीड़ों वाले, अब अगर आप मान लो पहचान नहीं पा रहे हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके लिए सारे के सारे लक्षण लेके आऊँगा कि पपीज़ में कौन कौन से लक्षण आ सकते हैं, डॉग्स में कौन कौन से लक्षण आ सकते हैं जब पेट में कीड़े हो। तो जब ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो 7 दिन से कर सकते हैं, बाकी ऐसा ना हो कि आपने दवा दी, उसने 1 घंटे के भीतर भीतर उल्टी किया, आप और दवा दे रहे हैं, ओवरडोज अगर हुई तो नुकसान हो सकता है।